जिला सोलन में बच्चों में किताबों के प्रति रुझान पैदा करने के लिए चिन्मय स्कूल लगातार प्रयास कर रहा है, जिसके चलते आज स्कूल में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। पुस्तक मेले में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पुस्तक मेले में चिन्मय स्कूल के विद्यार्थियों के साथ साथ नौणी में स्थित अन्य स्कूलों के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। बच्चों में किताबों के प्रति रुझान पैदा करने के लिए चिन्मय स्कूल लगातार प्रयास कर रहा है, जिसके चलते स्कूल में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। पुस्तक मेले में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पुस्तक मेले में चिन्मय स्कूल के विद्यार्थियों के साथ साथ नौणी में स्थित अन्य स्कूलों के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। चिन्मय स्कूल प्रशासन पुस्तक मेला पिछले 3 वर्षों से लगातार आयोजित कर रहा है, जिसमें विद्यार्थियों की मनपसंद किताबों को प्रदर्शित किया जाता है। अधिक जानकारी देते हुए चिन्मय स्कूल के प्रधानाचार्य शुभजीत घोष ने बताया कि जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, तब से विद्यार्थियों की किताबों में रुचि लगातार कम होती जा रही है। इसलिए वे विद्यार्थियों में किताबों में रुचि हो, इसके लिए वे कई वर्षों से पुस्तक मेले का आयोजन करते आ रहे हैं। बुक फेयर इसलिए लगाया गया है कि आज बुक्स का जो डिमांड है बच्चों में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अभी मोबाइल और डिजिटल जमाना ज़्यादा आ रहा है, लेकिन बुक्स का जो एक एसेंस है, एक ऑरा था कभी, ये वापस लाने का कोशिश कर रहे हैं। ये आज नहीं है, हमारे पिछले 4-5 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इस प्रयास में लगे हुए हैं। स्कॉलास्टिक जो है उनका हमेशा हमारे साथ साथ रहा है, हमारे स्कूल के लिए। हम लोग आसपास के, सिर्फ हमारे स्कूल के नहीं, हमारे आसपास के बच्चों के बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाता है हर स्कूल के, और हर तरीके के बुक्स यहाँ पर है, जनरल नॉलेज से लेके फिक्शनल एकेडमिक किताब है, स्पोर्ट्स रिलेटेड किताब है, आपके हॉरर स्टोरीज, सब कुछ इसमें है, ताकि बच्चों को इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट जागे उनका बुक्स के बारे में, उनको और इंटरेस्ट हो और उनके उनको और ये ज्यादा से ज्यादा बुक्स को पढ़े। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस्ट्रोडे के साथ। नमस्कार।